बंद करने का ऐलान किया गया था महाविकास अघाड़ी की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि ऐसा बंद नहीं कर सकते। तो हमारे हाईकमांड शरद पवार साहब का कल आदेश आया कि बंद नहीं रहेगा। तो जो महाराष्ट्र बंद होता है आदरणीय पवार साहेबांच्या आदेशाने मागे घेण्यात आलेले आहे, परंतु जयंत पाटील साहेब यांच्या आदेशाने आज आम्ही काळ्या पट्ट्या बांधून मूक निषेध व्यक्त केलेला आहे। जे बोलतो ना की लाजीरवाणी घटना जी घडलेली आहे बदलापुरामध्ये, 3 आणि 4 वर्षाच्या मासूम मुलींबरोबर जो बलात्कार प्रकरण झालेलं आहे, या प्रकरणात काही दिवसापूर्वी आदरणीय रोहिताई खडसे यांच्या आदेशानुसार आम्ही उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अगर आप भिवंडी में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इम्पोर्टेड चॉकलेट, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इम्पोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। बदलापुर कांड को लेकर महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं आज एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और भिवंडी शहर अध्यक्ष शुएब गुड्डू ने एक काली पट्टी बांधकर साइलेंट प्रोटेस्ट किया, जिसमें महिला शहर अध्यक्ष स्वाति कांबले और कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस साइलेंट प्रोटेस्ट में और शुएब गुड्डू मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस तरह से देखा गया कि पूरे महाराष्ट्र आज महाविकास अघाड़ी द्वारा जो है मुख्य आंदोलन किया जा रहा है, खासकर बदलापुर मामले को। आज यहाँ पर भी क्या कहना है, महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया गया था महाविकास अघाड़ी की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि ऐसा बंद नहीं कर सकते। तो हमारे हाईकमान शरद पवार साहब का कल आदेश आया कि बंद नहीं रहेगा। तो हमको महाराष्ट्र प्रदेश हमारे जयंत पाटिल साहब की तरफ से आदेश आया कि आज हमको आंदोलन करना है, मुंह पे काली पट्टी बांध करके। और आंदोलन जो हम लोग किया है, जो आपने देखा 13 तारीख को जो बदलापुर के अंदर 4 साल की बच्चियां, 2 मासूम बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ, बहुत शर्मनाक घटना है। ये इतना दर्दनाक घटना है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र की सरकार लॉ ऑर्डर में कहीं ना कहीं फेल है। आज महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम जब देखो, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कुछ ना कुछ रिपोर्ट आती रहती है कि आज इधर बलात्कार हुआ, आज उधर बलात्कार हुआ। आज हमारे महिलाएं, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज ये महाराष्ट्र सरकार ने वो निकाला लाडली बहन का स्कीम निकाला 1500 रुपया, हमको लाडली बहन 1500 रुपये स्कीम ही थी, हमको लाडली बहन सुरक्षित चाहिए। और आज हमको एक डर सा रहता है दिल में कि घर से हमारी बहन बेटियां अगर निकले वो सुरक्षित घर पे वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। तो इसके लिए सरकार लॉ ऑर्डर में फेल है। और सबसे बड़ी बात, थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर बदलापुर में इतना बड़ा हादसा होता है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब और जो होम मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, ये दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर थोड़ा भी उनमें शर्म होगी तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनमें शर्म है का उनको कुर्सी की लालच है। और ये अगर ऐसी घटना घटती रही तो आने वाला वक्त जो है वो बहुत बुरा होगा, लॉ ऑर्डर और बिगड़ता जाएगा। इसके लिए आज हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर चंद्र पवार साहब की तरफ से यहाँ पे जो आंदोलन किए, और हम लोग हमेशा हमारी महिलाएं बहनों के साथ खड़े रहे, जहाँ उनके सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ी वहाँ हम हमेशा खड़े रहे। जो महाराष्ट्र बंद होता है आदरणीय पवार साहेबांच्या आदेशाने मागे घेण्यात आलेले आहे, परंतु जयंत पाटील साहेब यांच्या आदेशाने
आज आम्ही काळ्या पट्ट्या बांधून मुख निषेध व्यक्त केलेला आहे. जे बोलतो ना की लाजीरवाणी घटना जी घडलेली आहे बदलापुरामध्ये, 3 आणि 4 वर्षाच्या मासूम मुलींबरोबर जो बलात्कार प्रकरण झालेला आहे, या प्रकरणात काही दिवसापूर्वी आदरणीय रोहिणीताई खडसे यांच्या आदेशानुसार आम्ही उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या गटातर्फे केली होती. आणि आजचा हा आमचा निषेध आंदोलन आहे. आजही आमच्या अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतो. आणि महाराष्ट्राची लॉ अँड ऑर्डर जी सुरक्षा जी व्यवस्था आहे ती संपूर्णपणे ढासळलेली आहे. आज महिलांना 1500 रुपये नको आहेत तर त्यांना सुरक्षितता हवी आहे. आज प्रत्येक माता भगिनी मला येऊन भेटल्या आणि बोलल्या आहेत की आम्हाला आता भीती वाटते की आम्ही मुलींना घरात सोडून बाहेर कसं निघायचं किंवा मुलींना एकटं शाळेत कसं पाठवायचं. तर प्रत्येक ठिकाणी एक प्रत्येक आईच्या मनात एक भीती निर्माण झालेली आहे. तर सरकारने ही भीती दूर करावी आणि या संपूर्ण प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून जर थोडी जरी लाज बाकी असेल तर त्यांनी आपल्या खुर्चीचा राजीनामा द्यावा. धन्यवाद.